परम पूज्य देवतुल्य गुरु श्री आचार्य प्रणब सागर जी के चरणों में शश्वत वंदन। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, लोगों की सोच को, लोगों की शंकाओं को समाधान में परिवर्तित करना, और जो चार प्रश्न भी सुने उनका जिस स्वर्णिम तरीके से समाधान हुआ, निश्चित रूप से मानव मन के अंदर इन सारी चीज़ों के लिए जब समाधान की युक्ति मिलती है तो धर्म का प्रभाव और बढ़ता है। मेरा गुरुवर, मेरे भी मन में कई बार बहुत सारे विचार है वैसे तो, लेकिन आज केवल एक या दो विचारों की शंका के समाधान के लिए मुझे आदेशित किया गया है। पूरा विश्व हिंसा के माहौल में व्याप्त है। हासिल करने की हजरतें के चलते हिंसा बहुत चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। हमारा जैन समाज अहिंसक है। हम पानी में भी जीवों के प्रति उदारता रखते हैं और कोशिश करते हैं कि कम से कम जल का उपयोग करें। ऐसे समाज के सामने बड़ी विकर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जब कोई व्यक्ति अहिंसक होकर हमारे सामने आता है तो हम उसका प्रतिकार कैसे करें। हम अहिंसक हो नहीं सकते हैं, स्वयं पर वार झेलने की गलती भी करना उचित नहीं होता है। ऐसे समय में स्वयं की रक्षा के लिए क्या उपाय होना चाहिए, मेरा यह पहला प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले तो आपने जिस संदर्भ में, जिन परिस्थितियों में सवाल खड़ा किया है, उस संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वर्तमान में पूरा विश्व एक बहुत बड़े त्रासदी के दौर से गुजर रहा है। युद्ध की ज्वालाएं धधक रही है और कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, और ये बात तय है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। युद्धों ने हमेशा समस्याएं ही दी है, अंत में तो शांति और समझौता को ही अपनाना पड़ता है। आज पूरे विश्व को युद्ध की नहीं, शांति और समझौते की आवश्यकता है। हम आप सबको ये भावना भाना चाहिए कि विश्व में शांति हो। जो देश आपस में लड़ रहे हैं, रक्तपात कर रहे हैं, उनके अंदर सद्बुद्धि आए, ताकि ये सारा विश्व युद्ध की विभीषिका से बच सके। ये भाव सबको करना चाहिए। कल ही मेरे सामने इससे संदर्भित एक सवाल आया था, और इस संत्रास से पूरे विश्व को बचाए। अब मैं आपके सवाल पर आता हूँ। आपने पूछा अहिंसा पथानुगामी व्यक्ति के ऊपर यदि किसी तरह की का आघात हो जाए तो उस समय वो क्या करे। अगर अहिंसा को आपने सही अर्थ में समझा होता तो शायद ये सवाल नहीं आता। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने अहिंसा को दो स्तर पर व्याख्यायित किया, एक महाव्रत और एक अनुव्रत। हम जैसे मुनियों के लिए महाव्रत है, और हमारी कोई हत्या करने के लिए भी आतुर हो आए तो हम उसका कोई प्रतिकार नहीं करें, क्योंकि हम उस विश्वास में जीते हैं कि मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता, मारना तो बहुत दूर की बात है, मुझे तो कोई छू भी नहीं सकता, मैं अबद्ध हूँ, आसपास हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, अपितु उस हत्यारे के प्रति भी क्षमा का भाव। ये एक मुनि के लिए है, पर आप जैसे गृहस्थों के लिए भगवान की आज्ञा नहीं। आपसे कहा गया है कि तुम संकल्प हिंसा का त्याग करो,
अपने स्वार्थ, मनोरंजन, स्वाद लिप्सा या अन्य इस तरह की मनोवृत्ति से ग्रसित होकर किसी प्राणी का संकल्प पूर्वक घात करना हिंसा है, आप अनुव्रती है, उसका त्याग करिए। लेकिन आपका जीवन हिंसा मुक्त तो नहीं हो सकता। आपको घर गृहस्थी के कार्य में नहाने धोने में भी हिंसा होती है, व्यापार धंधे में भी हिंसा होती है। तो कहते इसके बिना रह नहीं सकते तो यत्नाचार रखो। और चौथी हिंसा विरोधी हिंसा, अपने अपने परिवार पर, अपने समाज पर, अपनी संस्कृति पर, अपने धर्म पर, अपने देश पर यदि कोई आघात पहुंचाए, उसके अस्तित्व और अस्मिता पर यदि कोई आघात पहुंचाए, तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, अपने स्वत्व की रक्षा करने के लिए आपको अस्त्र उठाने का अधिकार है। चुपचाप बैठना नहीं, वहां वो हिंसा नहीं है, प्रतिकार हिंसा नहीं है, प्रहार हिंसा है। हमारी संस्कृति प्रहार का निषेध करती है, प्रतिकार का नहीं। अपने यहां रक्षा मंत्रालय है, ऑफेंसिव मत बनिए, डिफेंस के लिए जो चाहिए सो करिए। इसका कहीं निषेध नहीं। इसलिए अहिंसा को ठीक तरीके से समझना। रामचंद्र जी ने रावण के ऊपर अस्त्र उठाया तो हिंसा नहीं की, हिंसा उन्हें करनी पड़ी। उन्हें रावण के राज्य से कोई सरोकार नहीं था, उन्हें तो अपनी सीता से मतलब था। चाहते तो वो नज़रअंदाज करते, पर ऐसा करके वो मर्यादा का हनन करते, क्योंकि सवाल एक सीता का नहीं था। इसके कारण सारी सीताएं असुरक्षित हो जाती। उनने एक सीता के विरुद्ध रावण के द्वारा ऐसा आचरण करने से उसको सबक सिखाया और हमेशा के लिए मर्यादा की स्थापना कर दी। महाभारत का युद्ध हुआ, पांडवों ने अस्त्र उठाया, पर वो उनका अंतिम विकल्प था। श्री कृष्ण ने अंत तक शांति और समझौते का रास्ता अपनाया, खुद दूत बन करके गए, त्रिखंडाधिपति होकर के भी दूत बन करके दुर्योधन के पास गए। लेकिन दुर्योधन तो अहंकार में अकड़ा हुआ था, उसे उनका प्रस्ताव समझ में नहीं आया। तब अंत में उन्होंने केवल इतना ही कहा, ले तू अगर युद्ध चाहता है तो मैं तुझे युद्ध ही दूंगा। परिणाम हम सबके सामने। जैन पद्म पुराण में एक बहुत मार्के की बात लिखी, वहां लिखा है कि कोई योद्धा यदि रणांगण में जाता है, युद्ध करने के लिए जाता है, तो एक तरफ अपने हाथों में विजय का सेहरा लिए उसकी धर्म पत्नी उसकी प्रतीक्षा करती है, और दूसरी तरफ स्वर्ग में सुरांगना। जीत कर आए तो पत्नी उसके माथे पर विजय का सेहरा पहनाएगी, और यदि वीर गति को प्राप्त हो गया तो स्वर्ग की सुरांगना उसके सिर पर सेहरा पहनाएगी। इससे बड़ी बात क्या होगी। इसलिए जैन धर्म की अहिंसा को व्यापकता से समझने की आवश्यकता है, और आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि जैनियों में ऐसे अनेक वीर योद्धा हुए हैं जिन्होंने चीटियों को मारने से परहेज किया, लेकिन दुश्मनों का उन्होंने चंडमंड संद की तरह दलन किया। आबू के राजा जैन थे और उनका प्रतिक्रमण का नियम था, प्रतिक्रमण करते थे। लोग कहते थे कि एक इंद्री दो इंद्री से क्षमा मांगने वाला क्या युद्ध करेगा, लेकिन जब उन्होंने युद्ध में अपना पौरुष और पराक्रम दिखाया सबके छक्के छूट गए। भामाशाह जब मेवाड़ की धरती पर संकट आया, पहले अपना पूरा खजाना खोले, और खजाना खोलने के बाद खुद राणा प्रताप के सेनापति बनकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाए, वो भामाशाह जैन था। ऐसे एक दो नहीं, अनेक मैं गिनाऊं तो बहुत हो सकता है। इसलिए इतिहास को भी पढ़ना चाहिए। हमारे अनेक तीर्थंकर परमात्मा जो पहले चक्रवर्ती बने, उन्होंने संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्रता में बांधने के लिए दिग्विजय की यात्राएं भी की, और स्वेच्छाचारी राजाओं के
कुशासन को कुचलने के लिए उन पर आक्रमण भी किया। ये राज धर्म है जिसे उन्होंने निभाया, इसलिए इस बात को व्यापकता से समझना चाहिए। एक बार मुझसे किसी ने कहा, क्या जैन सेना में जा सकते हैं? हमने कहा, जैन ही सच्चा सेनानी बन सकता है, क्यों नहीं जा सकते? अगर सेना में कोई जा रहा है वो सेनानी है, तो देश की रक्षा कर रहा है, और वो देश की रक्षा कर रहा है तो हम और आप यहाँ बात कर पा रहे हैं, हमारी सीमाएं सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। जिस दिन सीमाएं सुरक्षित नहीं होगी, हम आप कहाँ सुरक्षित होंगे? इसलिए वो भी एक प्रकार का पुण्य का भी काम कर रहे हैं। हमें इस बात को इसी संदर्भ में समझना है। शायद इससे अच्छा संदेश इंदौर की इस धरती से पूरे विश्व में, पूरे देश में नहीं जा सकता है कि जो लोग जैन समाज को अहिंसक मानते हुए कमज़ोर मानते हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि हमारे पास प्रतिकार की भी क्षमता है। awesome.